ये है बिमला, इनकी बड़ी बहू का नाम है सरोज और छोटी बहू का नाम है स्वीटी। बड़ी बहू घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाती थी, सबका आदर करती थी और सभी लोगों की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखती थी। स्वीटी हमेशा सपने देखा करती थी अमीर बनने के, पर कभी कुछ करती नहीं थी, ना ही वो घर के कोई काम करती थी। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना मैं, एक दिन ना मैं इंडिया की बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी और खूब सारा पैसे मेकअप करूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर मैं ना बल टूल पर भी जाऊंगी एरोप्लेन में बैठकर। बिमला को छोटी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह दिन भर कोई काम नहीं करती, बस मेकअप और मोबाइल में ही घुसी रहती थी। स्वीटी, और स्वीटी बहू, छोटी इधर आना, आना इधर छोटी बहू। जी माँ जी, आई। अरे बहू, मेरा बेसन की पापड़ी खाने को मन कर रहा है। जब पिछली बड़ी बहू ने बनाई थी ना पिछली बार, वो पापड़ी तल दो मेरे लिए। अरे माँ जी, आप बूढ़ी हो गई हो फिर भी आपका पापड़ी खाने का दिल करता है। अभी आपकी उम्र नहीं हुई है पापड़ी खाने की, और पेट में दर्द होने लगेगा अगर आप पापड़ी खाओगी तो, और जलन भी होगी। बड़ी बड़ी दीदी से कहकर अपने लिए दाल रोटी बनवा लो, और वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। मैंने अभी अभी मेरा मेकअप किया है और मुझे मेरी फोटो इंस्टाग्राम पर डालना है। हे भगवान, मुझे कैसी काम चोर बहू दे दी, मेरी किसी काम की भी नहीं सुनती हो, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, उसी में घुसी रहती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों बड़बड़ाने लग रही हो अकेली? अरे बहू, तुझे तो पता है ना वो स्वीटी कैसी है, उसी के बारे में सोच रही थी। उससे मैंने कहा मेरे लिए पपड़ी तल दे, और बहाने बना के चली गई वो तो। अरे माँ जी, बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पपड़ियाँ तल कर लाती हूँ। A few moments later. जी लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म पपड़ी। अरे बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो और सबका भी ख्याल रखती हो, पर ये कितने दिन चलेगा बहू ये सब? और स्वीटी को भी तुम्हारी मदद कराना चाहिए, अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। ले बहू, तुम भी खा लो, खा लो, खा लो। वाओ, आज तो पपड़ी बनी है, माँ जी मुझे भी खाने को दो ना। वाओ, पपड़ियाँ देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे तो तुम, अरे तुमने तो कहा था इसे खाने से पेट में दर्द होता है, पर तुम मत खाना, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा इसे खाने से, ठीक है ना? कल से ना छोटी बहू से ही घर के काम करवाया करूंगी, समझी ना। ले और खा लो पपड़ी, ले खा लो, खा लो। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी उठ जा, आज से घर का खाना तुझे ही बनाना, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी ना, उठ। माजी, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन ना मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं नहाकर खाना बनाऊंगी। मैं जब तक नहाने जा रही हूँ, आप जब तक सब्जियाँ काट लो। ठीक है बहू, आज तो मैं तेरी मदद कर देती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। मेरी प्यारी सासू माँ, उन्होंने क्या सोचा कि मैं खाना बनाऊंगी? मैं स्वीटी और कभी खाना, कभी नहीं। ओहो, बूढ़ी घोड़ी लगी है मुझसे खूबसूरत से उलझने। आज तो इसकी मदद कर देती हूँ, पर कल से इसी से खाना बनवाऊंगी मैं, इसी से। बहू, अरे ओ बहू, अरे जल्दी ना ले, आज का खाना तुझे ही बनाना है, सुनती है कि नहीं? अरे जल्दी ना ले, तुझे ही बनाना है आज का खाना।
रुको माँ जी, ओहो माँ जी, अभी मैं मेरे बाल धो रही हूँ। मुझे बाल धोने में एक एक बाल धोना पड़ता है। जब मेरे बाल धुलते हैं मुझे टाइम लगेगा अभी बहुत माँ जी। एक काम करो, खाना आप ही बना लो। हे राम, सत्यानाश हो इसका। बड़ी बहू है नहीं है घर में, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं इसको ढंग से ही सबक सिखाऊंगी। मैं फंस गई बुढ़िया मेरे जाल में। इस ब्यूटीफुल से वो खाना बनवाएगी, कभी नहीं हो सकता। अरे बहू चल खाना बना दे मुझे, चल। अरे माँ जी देखना, मेरी नेल पॉलिश लगी है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो ये कितनी महंगी नेल पॉलिश है, ये बिगड़ जाएगी। देख बहू, आज तो मैंने खाना बना लिया, कल से तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, समझी ना। मम्मी जी आपसे इतना भी काम नहीं होता, सब लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। कर दूंगी काम, अभी मुझे फेसबुक पे देखना है कि मुझे कितने लाइक्स मिले हैं। अब जाती हूँ, बाय बाय। अब मैं अपने लाइक्स देखूं। देखिए ना, स्वीटी अभी तक सो रही है। अगर उसी की बाट में हम बैठे रहेंगे तो फिर कब खाना बनाएंगे। एक काम करते हैं बहू, जैसा करते हैं अपन होटल पे खाना खाने के लिए चलते हैं। ठीक है ना जी। चलो स्वीटी, स्वीटी उठ जा। स्वीटी ये तो उड़ने का नाम ही नहीं लेती। एक काम करते हैं माँ जी, घर को सुनना ही छोड़ते हैं, ताला लगा चलते हैं। ठीक है, ताला ही लगा चलते हैं। ठीक है चलो। आज घर में कोई चहल पहल सी नहीं लग रही, लगता है कोई सब बाहर गए हैं। अच्छा है, चलो जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर फिर ना मैं खाना खा लेती हूँ। वैसे ही सब लोग होते हैं तो मैं वैसे ही बोर होती हूँ। इस ब्यूटीफुल को कहाँ इतना टाइम मिलता है इन पागलों के पास। अरे ये किचन में ताला किसने लगाया है? अरे यार अब पता नहीं ये घर पे कब आएंगे। इनको ये भी पता नहीं कि ताला क्यों लगा कर गई है। भूखे मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है और इनको इनकी बाहर जाने की पड़ी है। मेरा थोड़ा वेट नहीं कर सकते। पता नहीं कहाँ चली गए, मुझे पता भी नहीं है यार। जी आज तो मजा आ गया होटल में खाना खा के। अरे बहू मुझे भी मजा आया, मैंगो शेक और लस्सी पीकर बहुत मजा आया। माँ जी मैं छोटी बहू को देखकर आती हूँ। अरे क्या करेगी उसे देखकर, डली हुई मेकअप करने और फेसबुक पर फोटो अपलोड करने। अरे माँ जी फिर भी मैं उसको देखकर आती हूँ, वो अपनी छोटी बहू है। मेरा भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है। अब रो क्यों रही हो? अगर तुम इसी तरह आलस करती रही ना तो हम ऐसे रोज बार खाना खाया करेंगे, समझी ना। मुझे माफ कर दो माँ जी, आगे से मैं कभी आलस नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मैं आपसे खाना बनाऊंगी, मेरे हाथों से मैं कोई भी खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे खाना दे दो माँ जी। अरे ये तो उल्टा पासा पड़ गया, कौए के पेट में दर्द हो रहा है अब। माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो दीदी। अब कभी भी मैं काम चोरी और आलस नहीं करूंगी और कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी। ये हुई ना बात, अब से हम सब मिलकर खाना बनाया करेंगे। अब चुप हो जाओ मत, रो ठीक है।